दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें इस समय हम सेक्टर 3 नंबर की चौकी पर मौजूद है और यहां पर एक बड़ा पेचीदा और अटपटा सा मामला सामने आया है। गाड़ी चुराने जाता है चोर और नशे की हालत में गाड़ी में ही सो जाता है। फिर सुबह के समय जब गाड़ी जिसकी थी मालिक उसको देखता है तो वो अंदर सोया हुआ चोर उनको मिलता है। यहां पर वह चोर पकड़ के पुलिस वाले लेके आए। अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मौके पर जिनकी गाड़ी थी उनके फादर मौजूद है, उनसे जानते हैं कहां पर चोरी करी गई थी और कैसे चोरी करी गई थी। अंकल कहां रहते हैं आप? कल्याणपुरी में। कब हुई थी ये चोरी? 7:15 बजे की बात है। सुबह 7:15 बजे कौन सी गाड़ी थी? अब मैं उन्हें आजान पढ़ा। वैन है अंकल? स्कूली वैन है जिसमें बच्चे ले जाए जाते हैं। तो कैसे आपके बेटे को पता चला? अब वो इतना ना पड़ मेरे घर में बीमार पड़ो मैं तो। आप घर में बीमार पड़े थे? मैं तो आया हूँ। क्या करता है आपका बेटा, क्या काम करते हैं? स्कूल की गाड़ी चलावे। स्कूल की गाड़ी चलाते हैं। जब वो गए थे वहाँ पर तो उन्होंने कैसे देखा उसको, चोर अंदर सोया हुआ था? वो ना पता तो बताता हूँ, वो ना पता तो। अच्छा, आपको मतलब पूरी जानकारी नहीं है। फिलहाल आपके बेटे कहाँ है गाड़ी लेके? वो वहाँ 4 नंबर गए, चौकी गए। 4 नंबर की चौकी पे गए? थाने में गया है। अच्छा, थाने में। क्या नाम है आपके बेटे का? रवि है। रवि नाम है। अभी फिलहाल चोर को पकड़ लिया, अंदर चौकी में है चोर? चौकी में होगा। चौकी में होगा। आपको पूरे बेटे के साथ नहीं रहते क्या आप अंकल? मैं तो बीमार पड़ूँ, मैं कहा बेटे के साथ रहूँगा, वो अपने काम से काम रहा करते हूँ। अच्छा, सुबह 7:15 बजे आपको पता चला कि गाड़ी चुराने आया था कोई? मैं तो इतनी में आया हूँ बाहर निकल के। अच्छा, चोरा में देख लो वहाँ भीड़ आ रही, मैंने कहा आएगा ये ऐसे बात है। और क्या नाम, 7:15 बजे भैया बाकी गाड़ी के लोग पोखतो उतार के देखे मैंने तो खाली बैठ। अच्छा, फिर मैं चलो उसने करी थी चोरी करने की। हाँ, लेकिन नींद आ गई, सो गया। हाँ, सो गया वो, सो गया। तो मैं बीमार आ गई कई दिन से। अच्छा। मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ जोर है। आप लोगों को मतलब पता नहीं है? पता नहीं मुझे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनकी गाड़ी को चुराने के लिए चोर आया था नशे की हालत में, उनके पिता यहाँ मौजूद हैं। उनका यह कहना है कि अभी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी अंदर चौकी इंचार्ज से बात हुई है, उन्होंने यह कहा है कि जिसके द्वारा ये गाड़ी चुराई जा रही थी उसके ऊपर और भी चोरी के मामले दर्ज हैं। मामला कल्याणपुरी का है जहाँ पर सुबह के समय एक चोर नशे की हालत में आता है और गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। पुलिस अभी जाँच पड़ताल में लगी है, चोर को अंदर बैठा रखा है। देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन करके सामने है और उसने किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, उस अपडेट से भी जोड़ेंगे फरीदाबाद न्यूज़ से। गुंजन नायक नमस्कार।